हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू यू ऑल मार्गदर्शन के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और जैसा कि आपको पता है कुछ दिनों से आपका वीडियोस रुका हुआ था राइट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स इट हैज बिन स्टॉप्ड बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ द वीडियो सीरीज ऑफ क्लास इलेवन चैप्टर्स जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को और उसके हर एक टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि अगर यूट्यूब पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश्ड कर चुका है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और दूसरा चैप्टर्स हम लोग शुरुआत हो चुकी है जिसका नाम है आपका मोफोलो अनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि माफोलॉजी का सेकेंड हिस्सा अनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और जिसमें हम लोगों ने सिंपल टिशूस कॉम्प्लेक्स पर्मानेंट टीशूज सारे चीज़ों को डिस्कस कर लिया है और आपके जो आपका जाइलम सेक्शन है वो जाइलम सेक्शन समाप्त हो चुका है और आपका फ्लोएम सेक्शंस शुरुआत हो चुकी है आज से सो फ्लोएम क्या है दोस्तों ये चीज़ें आपको पहले से पता है राइट और यहाँ पे हम लोग आज के क्लासेस में डिस्कस करेंगे यही फ्लोएम से शुरुआत करेंगे जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से शुरुआत करेंगे कि फ्लोएम क्या है और फ्लोएम से रिलेटेड टर्म्स क्या चीज़ें हैं जो आज हम लोग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं उनमें से है इंट्रो बात करेंगे कि आपका ये चीज़ क्या होता है फ्लोएम क्या है फ्लोएम क्या है फ्लोएम कितने एलिमेंट से बने होते हैं राइट एंग्योस्पाम में फ्लोएम कैसा होता है एंग्योस्पॉम में जो फ्लोएम के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जिमनोसपॉम के में एलिमेंट्स का कौन कौन से होते हैं फ्लोएम के इसमें हर एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे राइट right? जैसे कि हम लोगों अगर बात करते हैं एंग्योस्पाम में तो एंगियपॉम्प में चार एलिमेंट्स होते हैं और वो चारों एलिमेंट्स को बारी बारी से करके आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं यानी कि आज ही फ्लोएम का पूरा का पूरा सेक्शंस एक ही वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगे चाहे वो एनजियपॉम की बात करेंगे या फिर जिम्नोसपॉम की बात करेंगे दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको एक वीडियोज़ में मिलने वाली हैं सो पॉइंट टू बी नोटेड वी आर गोइंग टू डिस्क फ्रॉम द बेसिक ऑफ़ द फ्लोएम और जितने भी लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और जैसा कि आपको पता है कि लाइव क्लासेस चल रहा था लेकिन लाइव क्लासेस ट्यू टू सम रीजल्स मैंने आपको पहले बताया कि उसको स्टॉप किया गया है लेकिन वो फिर से रिज्यूम होगा कुछ वक्त के बाद तब तक आपको वीडियोज़ के थ्रू हम लोग कंटिन्यू रखे हुए क्लासेस को ताकि आपको किसी भी प्रकार की बाधा किसी भी प्रकार की समस्याएँ महसूस ना करने पड़े राइट right? सो so, दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है फ्लोएम क्या है पहला जो टॉपिक है हमारे पास कि फ्लोएम क्या है वट इज फ्लोएम फ्लोएम आप लोग को पता है राइट right? फ्लोएम से भी बात करते हैं इंट्रो तो आपको पता है कि जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था कि आपका जाइलम क्या है तो जाइलम आप लोगों को पता था कि क्या करता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द रूट्स टू द प्लांट पार्ट्स जहाँ जहाँ पे जरूरत होती थी प्लांट के पार्ट्स तक वहाँ तक पहुँचाता था ये पक्की बात है ये चीज़ें सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने देखा था इंडो इंडार्क क्या होता है एक सार्क क्या होता है ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख देख लिया था और हम लोग बात करेंगे आज फ्लोएम के बारे में और फ्लोएम भी आपको पता है कि वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ का एक हिस्सा है प्लांट में राइट तो ये क्या करता है कहीं ना कहीं आपको फूड मिड को ट्रांसपोर्ट करता है यानी कि अगर बात करते हैं फ्लोएम की अगर बात करते हैं फ्लोएम की तो फ्लोएम का मेन पार्ट मेन फंडामेंटल्स क्या होता है तो पहला चीज होता है इसका क्या ट्रांसपोर्ट करता है किसका और फूड और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल्स को अब क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल्स को तो करता है सरकार और भी बहुत सारे यूजफुल सबस्टांस स्वच्ट करता है उसके साथ साथ अलॉन्ग विथ मतलब एक ही साथ लेकर के अब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल्स करता है ये चीजें कहाँ से कहाँ तक करता है तो आपको करता है फ्रॉम लीव्स टू पे अदर बॉडी पार्ट्स अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी क्वेश्चन बात है कि आपका ट्रांसपोर्ट करता है फ़ूड मटेरियल्स को कहाँ से आपका से उठाता है ज़रा सोचिए जिस तरीके से माँ जो खाना बनाती है माँ जो खाना बनाती है किचन में बनाती है डेफिनेट बात है तो हमारा जो भोजन आता है कोई भी भोजन अगर करने को हो जिसको भी भोजन की भूख लगी हो भोजन की ज़रूरत हो आवश्यकता हो तो वो कहाँ से भोजन निकालेगा किचन से क्योंकि बना कहाँ पे है किचन में यही है वो घर बनने का है तो भोजन बनता कहाँ पे हमारे सारे के सारे लिप्स में बनते हैं ग्रीन पार्ट्स में बनते हैं तो वहाँ से ना जहाँ पे जिसको भी जरूरत होती है चाहे वो ऊपर वाले पार्ट्स की बात करते हैं या फिर प्लांट्स के नीचे वाले पोर्स की बात करते हैं जहाँ पे जरूरत होगी वो आपके लिप्स से पिकअप करना पड़ेगा उसको क्योंकि वहीं से से वहीं आपका क्या बोलते हैं फूड का एक साइट बोल सकते हैं राइट तो यहाँ से इस लिप्स से क्या होगा इस लिप्स से क्या होगा अदर पार्ट्स तक बॉडी के अदर पार्ट्स तक क्या होगा ट्रांसपोर्ट होगा चीज़ें राइट यानी कि कहने का मतलब ये जहाँ पर हम लोगों ने जाइलम को हम लोगों ने पढ़ा था कि वो सारा का सारा चीज़ रूट्स से निकालता है सोइल से निकाल करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है यानी कि वहां पे हम लोगों ने जो देखा था डायरेक्शन था ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन था वो वन डिरे, वन डायरेक्शनल था यानी कि यूनी डायरेक्शनल था लेकिन अगर यहाँ भी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे बाई डायरेक्शनल होंगी बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या क्या होता है सरकार बाई डायरेक्शनल अब बाई डायरेक्शनल का मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए क्या होता है बाई डायरेक्शनल का मतलब कि बाई मिस टू और डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन मतलब फ्रॉम अप ये फ्रॉम लेफ्ट टू द अपवर्ड सेक्शन एंड फ्रॉम लिप्स टू द डाउनवर्ड सेक्शन यानी कि लिप्ट जहाँ पे है उसके ऊपर वाले हिस्से को भी उसको भोजन जन पहुँचाना है तो अपवर्ड डायरेक्शन और आपका नीचे वाले हिस्से को भी पहुँचाना है है ना क्योंकि तो हर पार्ट्स को जरूरत है चाहे वो रूट्स हो या फिर आपका स्टेम का टिप्स हो वो सारे किस जगह पे वो चीज़ क्या है भोजन की जरूरत है तो यहां पे भोजन क्या करेगा प्रोवाइड करेगा यानी कि बाय डायरेक्शनल मतलब करने का मतलब डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन क्लियर तो ये चीजें कही कहीं ना कहीं मैटर करती है यहां पे ध्यान रखेंगे कि बाय डायरेक्शनल ऊपर भी जाता है फ्रॉम लिप्स टू द अपर पार्ट फ्रॉम लिप्स टू द लोअर पार्ट ये चीज़ें हमेशा याद रखेंगे कि बाई डायरेक्शनल का मतलब यहाँ पे क्या होता है चलिए पक्की बात है हम लोगों ने बात कर लिया कि आपका जो होता है फ्लोएम क्या करता है भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लिप्स टू द अदर पार्ट्स और ये जो मूवमेंट होता है आपका बाई डायरेक्शनल होता है अब दूसरी चीज़ बात करते हैं सरकार तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ रखा है राइट अब हम लोगों ने अगर अपने लेवल की बात करते हैं क्लास इलेवंथ का लेवल की बात करते हैं जहाँ पे हम लोग प्रिपेटरी स्टेस में नहीं हम लोग एक कैरियर को ये एक रूप देने की किस जगह पे हैं तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ हमारे पता है, आता है जो एंगियोसपॉर्म्स और जिम्नोसफाम तो जिम्नोसपॉम में क्या होता है और एंगियोसपॉम में क्या नहीं होता है क्या चीज़ें होती है इस चीज़ को डिस्कस करना अति आवश्यक है राइट तो कह रहा है कि एंगियोस्पॉम में अगर बात करते हैं तो एंगियोस्पॉम यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स तो एंगियोस्पॉम में क्या होता है कि यहां पे चार तरह के जो आपका जिम्नोस्पॉम ये आपका जो फ्लोएम है चार एलिमेंट से मिलकर बना होता है यानी कि कह सकते हैं एंगियोस्पॉम में इन एंगियोस्पॉम इन एंगियोस्पॉम्स क्या होता है आपका चार तरह के एलिमेंट बना होता है फ्लैम इज कंपोज ऑफ फोर एलिमेंट्स फोर एलिमेंट्स वो कौन कौन से है सरकार एंग में आपका फोर एलिमेंट से होता है पहले चीज सीव ट्यूब एलिमेंट्स दूसरी चीज आपके पास है कंपेनियन सेल राइट कंपेनियन सेल्स तीसरी चीज हमारे पास है फ्लेम पैरन काइमा और चौथी चीज है हमारे पास क्या फ्लोयम फाइबर यानी कि आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहां से एक चीज निकल के आती है कि एंगियोस्पॉम्प यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में बात करते हैं तो आपका फ्लोएम में चार पार्ट्स होते हैं चार पार्ट्स से बना होता है शिफ्ट्यूब एलिमेंट्स शिफ्ट्यूब एलिमेंट्स कंपेनियन सेल्स फ्लोएम पैरनकाइमा फ्लोएम फाइबर राइट ये चीजें आपका किस में होता है एंगियोस्पर्म में अब एंगियोस्पर्म यानी कि आप जो यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपका क्या है एंगिक फ्लोएम है यानी कि एंगोस्पॉम में पाए जाने वाला फ्लोएम है अगर इस फिगर को आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये चीज़ें जो सेक्शंस आपको दिख रहा है ये डॉटेड डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर मैंने जो दिखाया है ये आपका सेफ्टिव एलिमेंट्स है जो कि आपको पहला ही चीज़ें हैं यहाँ पर राइट दूसरी चीज़ बात करते हैं यहाँ पे यहाँ पे अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं ये देखने की कोशिश कर रहे हैं ये वाला हिस्सा ये वाला जो आपका कलर्ड है इसको बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा यानी कि आपका तीसरा वाला हिस्सा दूसरा वाला कंपेनियन सेल्स की बात करते हैं तो ये वाला जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर्स जिसमें आपका न्यूक्लियस दिख रहा है ये चीज़ इसको स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कंपेनियन सेल्स यानी कि ये सेकेंड वाला हिस्सा ऑफ लो फाइबर आपका चूंकि स्किलइमस सेल से बना होता है वो डील सेल से बना होता है सो तो यहाँ पे उस चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया है दिखाया नहीं गया है हालांकि होता है ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे पाया जाता है कैसे चीज़ों को देखने को मिलता है सो so, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सरकार कि क्या होता है ये चीज़ें हर पार्ट्स को देखेंगे कि सिर्फ टेप सेलमेंट्स क्या होता है कंपेनियन सेल्स से क्या होता है फ्लोम काइमा क्या होता है फ्लोएम फाइबर्स क्या होता है इन चीज़ों को देखेंगे लेकिन इससे पहले बात करते हैं थोड़ा सा बात है गिम्नोस की यानी कि जिम्नोस में क्या चीज़ें होती है तो जिम्नोस में ये वाला जो हिस्सा होता है ये गायब होता है जिम्नोस में ये वाला हिस्सा क्या होता है गायब होता है जिम्नोस में और बात करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे ये कंपेनियन सेल्स वाला हिस्सा गायब होता है मतलब कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा नहीं होता है यानी कि कंपेनियन सेल्स और सिव एलिमेंट्स आपका नहीं होता है वहाँ पर अल्बुमिन अल्बुमिन सेल होता है और आपका सिव सेल होता है राइट सिर्फ सेल्स होता है इसका सिर्फ सेल्फ होता है सिर्फ ट्यूब एलिमेंट्स नहीं होता है याद रखेंगे यानी कि जिम्नोस्पॉम में जिम्नोस्पॉम्स फ्लैम में क्या होता है फ्लैम हैव क्या yeah. या yeah, फिर आप लिख सकते हैं जिम्नोसप इट कंटेन एल्बोमिन एल्बूमिनस सेल एल्बूमिनस सेल्स एंड क्या एक चीज और होता है हमारे पास क्या एल्बूमिन सेल के बाद सीव सेल सेव सेल्स अब यहां पे बात करेंगे सारी चीजों को लेकिन लैक होती है कमी होती है ना सरकार किसी चीज की यहाँ पे किसी चीज की कमी भी होती है कमी किसकी होती है लैक्स लैक्स क्या आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा राइट सो so, यहाँ पे कमी होती है किसकी आपका सेफ्टी वेलमेंट्स की और आपका कंपेनियन की यहां पे यहां पे लिख सकते हैं दूसरा हिस्सा यहां पर लिख सकते हैं आपको लैक्स सिफ्टिव एलिमेंट्स एंड और चीजें क्या होती हैं यहां पे कंपेनियन सेल्स ये दोनों चीजें वहां पे नहीं होती हैं ये और ये कंपेनियनसेस और आपका सेफ्टिव एलिमेंट्स नहीं होता है ये चीज़ें हमेशा याद रखेंगे क्लियर बात ये चीजें समझ में आई चलिए बहुत अच्छी बात है आप इसको नोट कर लीजिए तब तक हम लोग बात करेंगे डिस्कस करेंगे ये चीज़ें क्या होती है सेफ्टिव एलिमेंट्स क्या होता है ये फ्लोएम पैरन कैमा क्या है ये कंपेनियनसेस क्या है आपका फ्लोएम फाइबर्स क्या है इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे व डिटेल सो so डोंट वरी टॉपिक इन अ डिटेल्ड वे सबसे पहला चीज आप इसको नोट कर ले ताकि मैं इसको इरेज कर सकू चलिए इतना में तो हो ही गया होगा चलिए हमारे पास अब डिस्कस करने वाले हैं हम लोग पहले चीज क्या है सेफ्टिव एलिमेंट्स हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं सेफ्टिव एलिमेंट्स यहां पे आपको दिख रहा होगा राइट पहले चीज हमारे पास क्या है सिव ट्यूब एलिमेंट्स अब जरा सोचिए सिव ट्यूब्स आपको कैसा दिख रहा है ये चीजें आप देखने की कोशिश कीजिए ये सिव ट्यूब्स आपको कैसा दिख रहा है लंबा दिख रहा है लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है जैसा नो और ये लॉन्गट्यूड वे में अरेंज है कि नहीं है पहली चीज क्या है सिप ट्यूब्स क्या है आप यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए तो ये क्या है लॉन्ग है ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर्स तो है ही like structures दूसरी चीज ये लॉन्गिट्यूडनल वे में अरेंज है जितने भी देखेंगे यहां पे सारी चीजें किस में अरेंज होता है लॉन्गिट्यूडनल वे में अरेंज होता है और तीसरी चीज यहां पे बात करते हैं तो इसके जस्ट बगल में कंपेनियन सेल्स है यानी कि ये कंपेनियन सेल्स से एसोसिएटेड होता है जुड़ा हुआ रहता है ये दूसरा चीज हम बात कर सकते हैं यहाँ पे क्या कि आपका अरेंज्ड लॉन्ग चुडनलीसरी चीज एसोसिटेड विथ दिनोसिएटेड विथ द कंपेनियन सेल्स मतलब ये चीजें लॉन्ग होती है ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर्स होता है यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये चीजें राइट दूसरी चीज कह रहा है अरेंज लॉन्गनली लॉन्गन अरेन्ज होता है तीसरी चीज कह रहा है यहाँ पे इसके जस्ट बगल में क्या होता है आपका कंपेनियन सेल्स होता है ये चीजें जो दिख रहा है स्ट्रक्चर्स ये जिस स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है कंपेनियन सेल्स है तो कंपेनियन सेल्स के जस्ट बगल में होता है यानी कि सटे हुए रहता है इसीलिए इसको बोलते हैं क्या एसोसिएटेड विथ कंपेनियन सेल्स यानी कंपेनियन सेल्स से क्या हुआ जुड़ा हुआ रहता है दूसरी चीज इसका जो इंडवॉल्स आप देखने की कोशिश करेंगे इसका जो वॉल है ये चीज ये जो वॉल है ये वॉल क्या है आपका ब्रोकन है आपका क्या होता है वॉल्स क्या होता है ब्रोकन होता है और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा घर में जो होता है आटा को आटा से कंकड़ को हटाने के लिए एक स्ट्रक्चर हमारे घर में होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चल याद आ रहा कुछ उसको सी प्लेट बोलते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या शिव प्लेट अब याद रखेंगे दोस्तों ये जब जैसे कटा हुआ पोर्स होता है यानी कि जब शिव शिव ट्यूब एलिमेंट्स आपका का होता 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 है होता है होता है यानी कि ब्रोकन तो वहाँ पे सीव प्लेट का फॉर्मेशन करता है मतलब कि शिव प्लेट की तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यानी कि चलने के स्ट्रक्चर का आकार देखने को मिलता है और इसी के थ्रू इसी के थ्रू क्या होता है कोई भी संस्थान से जिसमें इंटर करने की कोशिश करता है इंटर करता है ये चीजें हमेशा याद रखेंगे इसी के थ्रू आपका क्या हो कोई भी क्या होता है इंटर करता है ये चीजें हमेशा इंटर कर रहा है राइट चलिए मतलब लिख सकते हैं आप पे क्या कि इंड वॉल्व आर ब्रोकन और लिख सकते हैं पॉफोरेटेड Perforated in a sieve like, Chalani like manner. Right? Which forms? क्या प्लेट क्या फॉर्म कर लेता है प्लेट कर रहे है। मैंने जो बोला आपको अगर इसको स्ट्रक्चर्स को मैं इसी स्ट्रक्चर्स को मैं जो ये स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर जिसको दिख रहा है या फिर ये स्ट्रक्चर्स आपको जो बीच में दिख रहा है इसी स्ट्रक्चर्स को अगर आउट करके कर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा ये आपको क्या होगा फिगर दिख रहा होगा जिसमें ये अगर बात करते हैं जिसमें अगर ये बात करते हैं तो इसका जो ये है क्या है आपका सेल वॉल है क्या है आपका सेल वॉल है और सेल वॉल में आप ध्यान रखेंगे सरकार सेल वॉल हमेशा ही बहुत मैटर करता है सेल वॉल आपका क्या होता है ये बना होता है इसमें लिग्निन नहीं होता है अब क्वेश्चन आता है सरकार आपने लिग्निन की बात कर ही दिया तो छेड़ ही दिया तो बता दीजिए लिग्निन क्या है लिग्निन इज अ वेरी हार्ड सब्स्टांस इट इज अ हार्ड सबस्टांस एक हार्ड सबस्टांस है जो क्या करता है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसको क्या करता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जो कि आपके फ्लोयम में नहीं होता है लेकिन जाइलम में ये अच्छी होती है यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका जो सेलवल होता है बना होता है किस चीज़ से ये सेलवल किस से बना होता है सेलुलोज से यहाँ पे लिग्निन आपका क्या होता है लिग्निन नहीं होता है लिग्निन नहीं होता है क्रॉस का मतलब समझ जाइएगा लिग्निन क्या है अबसेंट है क्लियर लिग्निन नहीं होता है आपका सेलुलोज से सिर्फ सिलवाल बनना होता है और यही आपका है ये क्या आपका है ट्यूब एलिमेंट्स और ट्यूब एलिमेंट्स का ये जो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं यही आपका किस इसी को मैं बोल रहा था क्या इसी को क्या बोल रहा था सी प्लेट इसी को मैं सी प्लेट बोल रहा था यानी कि चलनी की तरह का स्ट्रक्चर्स और इसके जस्ट बगल में आप देखने की कोशिश करेंगे तो होता है कंपेनियन सेल्स सो so, पहली चीज हम लोगों ने डिस्कस किया क्या लॉन्ग होता है ट्यूबलेट स्ट्रक्चर्स होता है दूसरी चीज कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनली होता है लॉन्गिट्यूडनल चौथी पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इसका जो इंड वॉल है वॉल क्या होता है ब्रोकन होता है या फिर ब्रोकेटेड कर सकते हैं छिद्र होता है इसमें इस तरह से छिद्र होता है कि जैसा कि वो चलनी के स्ट्रक्चर्स का वो चीज दे देता है और इसी को बोलते हैं क्या सीव प्लेट राइट ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी तो आगे मैं बढ़ने की कोशिश करूंगा अब जब ये मैच्योर होता है एलिमेंट्स जब आपका मैच्योर होता है तो इसके किनारे किनारे पे क्या होता है आपके किनारे किनारे पे आपका साइटोप्लाजमा आ जाते हैं और उसके साथ साथ आपका क्या होता है बड़ा वर्क वैक्यूल्स रह जाता है इसमें बड़ा वैक्यूल्स होता है लार्ज वैक्यूल्स होता है लेकिन न्यूक्लियस सरकार नहीं होता है यहां पर लिख सकते हैं इन मैच्योर सिफ्टिव एलिमेंट्स इन मैच्योर सिफ्टिव एलिमेंट्स क्या आपके क्या किस चीज की कमी होती है सरकार यहां पे तो आपका पेरिफ्रल क्या होता है पेरिफरल साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म क्या होता है प्रेजेंट होता है दूसरी चीज कह रहा है आपका लार्ज वैक्यूल्स होता है लार्ज वैक्यूल्स होता है ये चीज भी होता है और ये भी होता है लेकिन क्या होता है इसमें न्यूक्लियस क्या होता है ऑबसे याद रखेंगे दो चीजें होती हैं यहां पे चीज होती है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म मतलब पेरिफेरल का साइटोप्लाज्म कहने का मतलब कि किनारे किनारे पे साइटोप्लाज्म हो देखने को मिलता है और आपका एक वैक्यूल्स लार्ज वैक्यूल्स आपको यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है ऐ सरकार क्या दुड़वा समझ लिए हैं हम लोग को अरे भाई नहीं आप कह रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है अब न्यूक्लियस बनाए भी नहीं है ये चीज क्या मजाक है बिना न्यूक्लियस के सेल आपका लिविंग कैसे सरकार सुनिए बिना न्यूक्लियस के भी आपका ये सेल लिविंग है और क्वेश्चन आता है तो फिर आपको पता होना चाहिए आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था न्यूक्लियस वाले पोर्शंस में कि न्यूक्लियस को कंट्रोल यूनिट बोलते हैं बिल्कुल मैंने सुना था सरकार बिल्कुल फिर आप कैसे कह रहे हैं यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है फिर भी ये लिविंग होता है बिल्कुल मैं वही चीज कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं और सही सुन रहे हैं आप यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो इसके एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है यानी कि अगर घर में घर के बगल में अगर कोई इंसान है उसको अगर आप खाना नहीं देते हैं या फिर बगल वाले पड़ोसी वाले नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में उससे कोई खाना नहीं देगा ध्यान दीजिएगा इसके बगल वाला पड़ोसी बड़ा ये दयालु है यानी कि क्या है आपका आपका क्या है

कंट्रोल करता है इसका न्यूक्लियस क्योंकि न्यूक्लियस ही कंट्रोल यूनिट कहते हैं राइट तो ये याद रखेंगे कि यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल करती है कौन न्यूक्लियस ये सारा का सारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है इसके शिफ्ट एलिमेंट्स के एक्टिविटीज़ को दूसरी चीज सबसे पहली चीज़ ये दूसरी चीज कि यहाँ पे से सबस्टेंसेज में जाता कैसे है यहाँ से सबस्टेंसेज में जाता कैसे है तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वॉल है ना सरकार ये लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स है इसमें बहुत ही फाइनर फाइनर क्या होता है पिट्स होते हैं क्या होते हैं पिट्स होते हैं टूटे हुए पोर्शंस होते हैं और इसके थ्रू यहां से सबस्टांस यहां पे जाता है दूसरी चीज कि कंपेनियन से लेकर और काम करता है सरकार कंपेनियन से लेकर और काम करता है क्या करता है सरकार बता तो सकते हैं बिल्कुल यहां पे इसके प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने में मदद करता है ताकि से से आसानी से आ सके और जा सके इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट ऑफ द एलिमेंट्स तो पहले दीज लिख लेते हैं उसके बाद बात करते हैं राइट तो पॉइंट नोट करना होगा आपका न्यूक्लियस क्या होता है यहाँ पे न्यूक्लियस आपका ऑबसेंट होता है क्लियर तो इसके फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला कौन इसके फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला कौन है हमारे पास बताइए द फंक्शंस ऑफ शिव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय क्या किसके द्वारा इसका कौन ये ये कौन है न्यूक्लियस ऑफ क्या न्यूक्लियस ऑफ कौन कंपेनियन सेल यानी कंपेनियन सेल के बारे में हम लोगों ने कुछ स्टडी कर लिया राइट कंपेनियन सेल के बारे में स्टडी कर लिया क्या कंट्रोल्ड बाई कंपेनियन सेल कौन किसका सेफ्ट एलिमेंट्स का फंक्शंस को कंट्रोल करता है कौन न्यूक्लियस किसका सेल का न्यूक्लियस ये चीजें आपको क्लियर होंगी तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे वाले पॉइंट्स डिस्कस कर सकूँ ताकि आपको तो डिस्कस कर दिया है उन चीजों को बस नोट करना बाकी रह गया है तो ये चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है चलिए इतने देर में तो आपने नोट कर ही लिया होगा राइट मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स और रह जाते हैं क्या कि कौन कौन कंट्रोल करता है ये चलिए सही बात है कंपेनियन सेल का काम क्या है यहाँ पे इसके लिए तो कंपेनियन सेल की बात करते हैं तो कंपेनियन सेल आ जाते हैं ना सरकार कंपेनियन सेल्स में ही इतना क्लियर है कंपेनियन सेल्स याद रखेंगे इसके इसमें टेम्परे ये प्रेशर ग्रेडियंट को क्या करता है करता है किसके सिव ट्यूब के आगे आते हैं हमारे पास ट्यूब्स एलिमेंट्स आपका समाप्त हुआ और आपका आता है कंपेनियन सेल्स अब सिव ट्यूब्स और आपका कंपेनियन सेल्स को कहते हैं सिस्टर सेल सी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स को क्या कहते हैं सिस्टर सेल क्यों क्योंकि कौन सा सेल कहते हैं सिस्टर सेल किसको? इसको और इसको कंपेनियन सेल को और सेल्स को को। क्यों क्यों क्योंकि दोनों के दोनों एक ही सेल से निकला हुआ है दोनों के दोनों दोनों सेम मदर सेल से अराइज हुआ है याद रखेंगे मतलब कि एक ही माँ के दोनों संतान है राइट चलिए कंपेनियन सेल्स के बारे में आ जाते हैं राइट सरकार कंपेनियन सेल्स है क्या कंपेनियन सेल्स क्या है कंपेनियन सेल किसका पड़ोसी है पहली चीज तो आपका सेफ्टी वेलमेंट्स का पड़ोसी है काम क्या है चूंकि ये कैसा होता है पैरेंट सेल्स होता है एक खास तरह का पैरेंट सेल्स है पैरेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है है ना पैरेंट के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो पेरेंट क्लाइमेटस आपका स्पेशलाइज सेल्स है जो क्या करता है इसके एक्टिविटीज को क्या करता है कंट्रोल करता है दूसरी चीज रहा है इसके प्रेशर ग्रेडिएंट को क्या करता है मेंटेन करने की कोशिश करता है मतलब लिख सकते हैं स्पेशलाइज पैरकैमिटस सेल्स दूसरी चीज बात करते हैं यहां पे क्लोजली इसके लोकेशन से लिखते हैं क्लोजली एसोसिएटेड विथ सीव ट्यूब एलिमेंट्स इसमें उसमें इसका लिखे थे इसमें उस इसका लिख दी राइट तीसरी चीजें लिखेंगे क्या तीसरी चीज लिखेंगे दोनों चीज के बारे में लिखेंगे पहले चीज हमारे पास है पैरक स्पेशलाइज और दूसरा है आपका क्लोजली एसोसिएटेड विद सेवटिव एलिमेंट ये चीज़ें क्लियर आपको चलिए आगे की बात करते हैं तो एक स्टार लिखकर लिखते हैं यहाँ पे चीजों को कह रहा है यहाँ पे सीव ट्यूब्स जो होता है सरकार शिव ट्यूब्स और आपका यहाँ पे बात करते हैं शिव ट्यूब्स और आपका ये कंपेनियन सेल्स कॉमन आपका लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स से क्या होता है जुड़ा हुआ रहता है और इसी के थ्रू यहाँ पे सबस्टांस क्या होते हैं पास करते हैं ये चीज़ें याद रखेंगे यानी कि कह सकते हैं शिव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स are connected by connected by care Pit cells present in the present between the air क्या कॉमन वॉल्स वे चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया भी, है ना इन चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया इसमें जो पीट सेल्स होता है इसी से थ्रू क्या होता, होता है आपका एक्सचेंज होता है आपका समस्या दूसरी चीज बात करते हैं यहां पे कंपेनियन सेल्स के बारे में तो कंपेनियन सेल क्या करता है कंपेनियन सेल क्या करता है आपका तीसरा पॉइंट यहां पे हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट in the shape tubes. इतना चीजें क्लियर है सरकार ये चीजें हुआ आपका पेरेंट आपका पैर ये क्या बोलते हैं आपका जो स्टडी कर रहे हैं हम लोग कंपेनियन सेल्स।, सेल्स के बारे में ज्यादा डिस्कशन है नहीं यहाँ पे कह रहे हैं आपका क्या चीज समझने की कोशिश कीजिए कह रहे हैं कि आपका स्विफ्ट होता है आपका कंपेनियन जो होता है आपका पैरन कामेटस सेल्स होता है स्पेशलाइज्ड पैरनकाइमेटस सेल्स होता है दूसरी चीज़ कह रहा है ये जो हो सकता है एसोसिएटेड होता है किसके पास सिव ट्यूब की और वहाँ पे बात किए थे कि कंपेनियन ये एसोसिएटेड होता है तो ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए कह रहा है कि आपका तीसरा काम क्या है ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया है क्या मेनटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन दिवट शिव टूब में जो भी प्रेशर ग्रेडियंट होता है इसका न्यूक्लियस आपका मैंटेन करता है चीजें कहा कह रहा है आपका सिवट्यूब और कंपेनियन सेल्स क्या होता है कनेक्टेड होता है पिट सेल्स है किससे होता है कलेक्टेड पीट सेल से जो कि इसके दोनों के बीच के जो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स होता है इसमें इसमें आपका ये चीज़ें देखने को मिलती है ये चीज़ें क्लियर है आपके पास चलिए हमारे पास बचा हुआ है दो एलिमेंट्स और फ्लोएम पैरनकाइमा और फ्लोएम फाइबर तो ये चीज़ें आप जल्दी से जल्दी लिख लें ताकि हम लोग आगे की तरफ डिस्कशन शुरू कर सकें चलिए हो चुका होगा अब हमारे पास है क्या फ्लैम पैरंग कैमा क्या है हम लोगों ने यहाँ पे देखा एक चीज और आप याद रखेंगे कि यहाँ पे आपका ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं होता है लेकिन यहां पे आपका ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है डेंस साइटोप्लाज्म होता है सेल्स में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है ये चीजें हम लोग को पता है है ना याद करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे राइट पैरन के बारे में फ्लैम पैरनकाइमा तो आप जरा देखने की कोशिश की तो इसका जो सेल्स होता है एलोंगेटेड होता है पहली चीज इसका सेल्स जो होता है आपका एलोंगेटेड होता है मतलब क्या होगा एलोंगेटेड सेल्स एलोंगेटेड सेल्स एंड जो होता है आपका टैपरिंग सिलेंड्रिकल होता है थोड़ा सा हालांकि दबा हुआ है टैपरिंग सिलेंड्रिकल लिख सकते हैं यहां पे टैपरिंग सिलेंड्रिकल अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका डेंस साइटोप्लाज्म होता है यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है पूरी तरीके से इसमें बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म क्या होता है सेल्स हैव साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस Have dense, cytoplasm, and nucleus. ये चीजें बेसिक बात थी है ना ये क्या थी बेसिक बात है अब बेसिक बात में भी बात बहुत अच्छी बहुत होती है हम लोगों ने बात किया यहाँ पे कि इसका जो आपका सेल्स होता है लॉन्गेटेड होता है जैसा कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं राइट स्ट्रक्चर्स में देख रहे हैं और उसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो इसके अगर बात करते हैं इसके सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और उसके साथ साथ आपका जो साइटोप्लाज्म बात करते हैं डेंस साइटोप्लाज्म होता है अब इसके बात करते हैं इसके वॉल्स की ये जो मोटा वॉल्स आपको दिख रहा है ये वॉल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये चीज़ सारी चीज़ों को डिस्कस हम लोग को करना है तो आप अगर इस वॉल्स को आप देखने की कोशिश करेंगे इस वॉल्स को आप देखने की कोशिश करेंगे ये वॉल्स तो ये वॉल्स में जो होता है आपका सेलुलोज होता है सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ़ सेलुलोज और इसमें आपका छोटे छोटे पिट्स भी होते हैं अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने की कोशिश की जाए तो आपका क्या होता है पिट्स होता है प्लाज्मो डिसमाटल कनेक्शंस होता है जिसके थ्रू एक सेल दूसरे सेल से क्या होता है कनेक्टेड होता है यानी कि लिख सकते हैं आपका सिलवल की अगर इसकी बात करते हैं सिलवल इज पहला चीज हमारे पास क्या कंपोस्ट ऑफ सिल्डोज दूसरी चीज क्या हमारे पास है दूसरी से क्या हैव पेट्स प्रोविच प्लाज्मो डिस कनेक्शन राइट सिल्वर right? क्या होता है कंपोज्ड होता है सिल्लोज से आपका बात करते हैं राइट सिल्वर कंपोज्ड होता है सिल्लोज से यहां पे पीट्स होता है इनके बीच में और जिसकी वजह से आपका एक सेल दूसरे सेल से क्या होता है कंपोज होता है राइट right? अब इसकी बात करते हैं कि काम क्या है राइट right? अब काम क्या होता है तो इसका काम है पैरेंट कैमा का मतलब होता है आपको स्टोर करने वाली चीज़ें तो क्या होगा ही डेफिनेट बात है तो फूड मटेरियल्स को स्टोर करना फर्दर यूज़ के लिए भी और प्रेजेंट के लिए तो यूज़ करता ही है बाकी फर्दर यूज़ के लिए आपका फूड मटेरियल्स को क्या करता है स्टोर करता है फूड मटेरियल के साथ साथ दूसरे सबस्टांसिस को भी स्टोर करता है जैसे कि आपका रेजिन हो गया म्यूसिलेज हो गया ये सारे के सारे सबस्टांस को क्या करता है स्टोर करता है मतलब कि बात करते हैं इसको स्टोर्स क्या स्टोर्स की अगर बात करते हैं तो क्या फूड मटेरियल्स एंड दर सबस्टांसेस लाइक रेजिन्स लैटेक्स एंड म्यूसिलीज ये तीन सबस्टांसेस है जिसको कि आप लोग को डिस्कस यहां पर चाहिए रेज और लैटेक्स और मिसलेज को भी क्या करता है स्टोर करता है मतलब ये स्टोर करने में आपका रोल प्ले करता है और सरकार ये बात करते हैं तो ये आपका डाइकॉटिलेडेंस में तो देखने को मिलता है कौन फ्लोन काउटिलिडेंस में देखने को मिलता है मोनोकोटिलेडेंस में सारी चीजें क्या होती है ऑब्सेंट होती है ऑब्सेंट इन मोनोकोटिलेडेंस The... अधिकांश आपके मोनोकॉडिलेडंस में क्या होते हैं ये गायब होते हैं कौन फ्लेम परमा क्यों उसमें भोजन को स्टोर करना ज्यादा वो चीज नहीं होती है राइट डायकोडिलेटेंस में ज्यादा वो फूड स्टोर होता है वहां पे तो वो चीजें वहां पे होती है लेकिन अधिकांश आपका मोनोकोडिलेटेंस में नहीं होता है क्लियर आपको पता है आप लोगों ने ये चीजों को स्टडी किया है लास्ट क्लासेस यानी कि ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोगों ने इसको अच्छे से स्टडी किया है राइट right? सो so, याद रखेंगे यहाँ पे चीजें मतलब तो यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं एक बार रिवाइज करते हैं तो ये चीजें देख लिया हम लोगों ने सेल वाला आपका ये चीज कंपोज होता है इसमें प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस होता है जिस सेल्स के बीच में पिट्स के थ्रू आपका ये चीज फॉर्म होता है फूड को स्टोर करने की कोशिश करता है और दूसरा सबस्ट जैसे कि रेजिन हो गया आपका ट्लाइटेक्स हो गया म्यूसिलेज को स्टोर करने की कोशिश करता है और ये आपका मोनोकोडेंस में नहीं होता है ये चीज़ें याद रखेंगे तो ये रहा आपका पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा ये फ्लोएम पैरनकाइमा के बारे में ये चीज़ें क्या है फ्लोएम पैरनकाइमा के बारे में याद रखेंगे ये चीजें अब हम बात करेंगे फ्लोएम फाइबर के बारे में किसके बारे में फ्लो फाइबर के बारे में दोस्तों जरूर याद रखेंगे ये हर पावर पॉइंट्स पौर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कमेंट करके सेक्शंस पर जरूर बताइए कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा क्या ये जो टेक्निक है अगला जो इससे पहले हम लोगों ने दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश की थी और आज का जो टेक्निक आपको पसंद आया अगर पसंद आया तो क्या इस तरीके से आपको चाहिए या फिर पहले वाला कंडीशन से पहले वाले सिचुएस भी बेटर था राइट सो लास्ट पॉइंट हमारे पास लास्ट बट नॉट द लिस्ट बचा हुआ है क्या फ्लैम फाइबर फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर में बोलते हैं हालांकि फ्लोएम को ही बास्ट सेल्स बोलते हैं बास्ट बास्ट बोलते हैं बास्ट फाइबर चलिए किस से बना होता है तो ये डेढ़ सेल्स होता है ये आपका डेड सेल होता है तो डेड सेल किस चीज़ से बना होता है पैर ये स्कलन काइमिटिस टिश्यू से बना होता है स्कलन काइमा के सेल्स से बना होता है ये चीज़ें याद रखेंगे डेड सेल से बना होता है इसका मतलब ये चीज़ क्या होगा आपका पैरन काइमा नहीं क्या स्कलन काइमा पहला पॉइंट हमारे पास आता है मेड ऑफ ऑफ स्क्लेरिन इमेटस सेल्स इसमेटस सेल्स दूसरी चीज जब अगर बात करते हैं तो प्राइमरी फ्लेम में ऑब्सेंट होता है बट प्रजेंट इन सेकेंडरी और आपको पता है ना कि फ्लोएम आपका सेंटर की तरफ होता है तो प्राइमरी फ्लोएम में अबसेन्ट होता है जो डेवलप करता है तो बीच वाले, वाले सेंटर में वो चीज नहीं होता है लेकिन बाहर वाले सेक्शंस में बात करते हैं तो ये आपका फ्लोएम फाइबर आपका एग्जिस्ट करता है प्राइमरी फाइबर में आपका प्राइमरी प्रोय क्या होता है आपका एबसेंट होता है और सेकेंडरी आपका फ्लेम में क्या होता है ये प्रेजेंट होता है ये चीजें याद रखेंगे ये फाउंड ये चीज़ राइट right? ये चीज जो इसका जो बात करते हैं मच एलोंगेटेड होता है मच एलोंगेटेड यानी इसके अगर बात करते हैं सेल्स की तो सेल्स आपका काफी बड़ा होता है पॉइंटेड रखेंगे जिस तरह से होता है एपीसेज आपने देखा है लास्ट क्लास में अगर बात करते हैं तो एपीसेज हम लोगों ने देखा था ये जिस मतलब कांटेदार जिस तरह से होता है या फिर आपने हस्क ऑफ आपका कोकोनट देखा होगा तो उसका जो एंड देखा होगा ना जिस तरह से होता है वैसे चीजें यहां पे देखने को मिलती है इसका पॉइंटेड निडल सेप्ड इंड होता है लाइक तीसरी चीज बात करते हैं तो इसका जो आपका वॉल होता है वॉल आपका ठीक होता है आपका जो वॉल होता है आपका क्या वॉल इज बिल्कुल ठीक होता है क्वाइट ठीक मोटा होता है और जब ये मैच्योर्ड हो जाता है जब ये मैच्योर होता है कौन आपका फ्लोएम फाइबर जब आपका मैच्योर होता है तो क्या होता है यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर तो आप न, नोटिस कीजिएगा इसमें प्रोटोप्लाज्म और आपका चीज़ें सारी चीज़ें क्या होती है डेड हो जाती है प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, हो है। लॉस हो जाता है और इसमें और ये बन जाता है डेड डेड हो जाता है At maturity, fibers lose protoplasm and become dead. क्या होता है? Dead बन जाता है। दिख रहा होगा right? मैच्योरिटी के स्टेज पे क्या होता है फाइबर्स क्या होता है प्रोटो में आपका लॉस कर जाता है कौर किसको प्रोटोप्लाज्म को और आपका क्या हो जाता है ये मृत हो जाता है मतलब डेड सेल्स की तरह काम करने लगता है इसके बाद की बात करते हैं यहाँ पे चीज़ें तो देखने की कोशिश कीजिएगा कि इसका जो आपका जूट फ्लैक्स हेम्प आपका जूट फ्लैक्स हेम्प इसका जो आपका जो सरकार समझने की कोशिश कीजिएगा फ्लैक्स जूट हेम्प इनके जो आपका फ्लेम फाइबर है इनका जो फ्लेम फाइबर है इनका जो फाइबर्स आप बोल सकते हैं कमर्शियली यूज होता है कमर्शियली इसको यूज़ किया जाता है मतलब टू अर्न इनकम टू अर्न इनकम टू गेट इनकम इसका यूज होता है क्या कमर्शियली तीसरी चीज जो बात करते हैं आप पे इतना तो सारी चीज़ें हो गई ये सारा का सारा चीज़ आपका फ्लैम फाइबर्स के बारे में कंप्लीट हुआ दो पॉइंट्स हमारे पास रह जाता है और वो दो पॉइंट्स क्या है उन चीज़ों को देख लेते हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे आज के क्लासेस को समाप्ति की तरफ लेके जाएंगे क्या है कंडीशंस कि हमने अभी याद कीजिए हम लोगों ने बात किया है प्राइमरी क्या फ्लोम की और सेकेंडरी फ्लोम की यानी कि प्राइमरी फ्लोएम मतलब कि जो सबसे पहले फ्लोएम बना उसको बोलते हैं प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी फ्लोएम में बात करते हैं तो आपका जो सीव ट्यूब्स होता है वो आपका बहुत ही पतला होता है थिनर होता है और इसी सिचुएशन को बोलते हैं प्रोटोफ्लोएम और अगर वही बात करते हैं लेटर फॉर्म्ड फ्लोएम की यानी कि सेकेंडरी फ्लोएम की तो वहाँ पर जो होता है जो ये चीज़ क्या बोलते हैं आपका सिव ट्यूब्स एलिमेंट्स होता है वहाँ पर बीगर होता है और इसको बोलते हैं कि आपका मीटा फ्लोएम तो फ्लोर ये दो चीज दो वर्ड आते हैं हमारे पास प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम ये चीजें देख लेते हैं इसको तो नोटिस कर लिया होगा आपने यानी कि दो चीजें हमारे पास आती है प्रोटो फ्लोएम और एक होता है मेटाफ्लैम प्रोटोफ्लम क्या है और मेटाफ्लोयम क्या है प्रोटोफ्लम में क्या होता है फर्स्ट फॉर्मड जो हमारे पास आपका प्राइमरी प्राइमरी क्या फ्लैम रोप्स और इसी कंडीशंस को बोलते हैं आपका क्या प्रोटोफ्लोएम और इसमें क्या होता है आपका लैटर स्टेज में लैटर फॉर्म्ड यानी कि आप बोल सकते हैं कि सेकेंडरी आपका क्या फ्लोएम के पास क्या होता है बिगर सेफ टिप्स और इसी चीज को टर्म कर दिया जाता है एक वर्ड दे दिया जाता है इसी के लिए मेटाफ्लोएम तो प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम आपको समझ में आ चुकी होगी जो आपका पहला प्राइमरी फ्लोएम होता है उसमें आपका क्या होता है सिव ट्यूब्स होता है जो आपका नैरो होता है बहुत पतला होता है और इसी टर्म्स को हम लोगों ने बोला क्या प्रोटोफ्लोएम और जो ला लेटर वाला स्टेज यानी कि जो बाद में आपका फ्लोएम फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं आपका सेकेंडरी फ्लोएम और इसमें आपका जो शिव ट्यूब्स होता है आपका बीगर होता है इस इस टर्म्स को हम लोगों ने टर्म कर दिया क्या मेटाफ्लोएम तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का क्लासेस समझ में आया होगा कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैसा क्लासेस लगा सो so, आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ सो थैंक यू सो मच हाँ अगर आपके पास क्वेश्चंस है तो जिस समय आपका ये वीडियो चल रहा है आप उस समय क्वेश्चन आप डाल सकते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर भरपूर दी जाएगी इसके लिए आप इस चिंतित ना रहें हाँ और हाँ अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो उस क्वेश्चंस को छोड़े हुए नहीं क्वेश्चन को डेर डालें क्योंकि अगर आपने क्वेश्चंस को छोड़ दिया तो वही से प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएशन होना स्टार्ट हो जाती है राइट सो so क्वेश्चन जितने भी मन में आते हैं वो क्वेश्चन को पूछा स्टार्ट पूछना पूछना स्टार्ट कर दीजिए अगर दिया है कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है अगर नहीं किया है तो अभी देर नहीं हुई है स्टार्ट कीजिए सो so, आज के लिए बस इतना ही इट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू क्लास हैव अ नाइस डे स्टे हेल्दी स्टे लाइफ स्टे हैप्पी फॉर एवर स्वस्थ रहें मस्त रहें तंदुरुस्त रहें व्यस्त रहें और यूँ ही मुस्कुराते रहें क्योंकि आपकी मुस्कुराहट हर चेहरे की होती है चाहत थैंक यू सो मच